साथ हारेंगे। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विगी राइडर आजाद। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं, अभी अच्छा है। जैसे कि आज है संडे और 12 बजने वाले हैं, लॉग इन करेंगे अभी अपन और देखेंगे जो कि आज संडे के दिन जो कि कितनी अपनी अर्निंग होती, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल डलाते, MG होता नहीं होता, पूरा चीज़ें बताता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो भाई लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अभी अपन लॉगिन करेंगे और देखेंगे। तो भाई लॉगिन कर दिए अपन और अपने को पहला ऑर्डर डाला यहाँ इंस्टामार्ट NMDC के ने, आ गए अपन पिकअप करने के वास्ते। दो बैच ऑर्डर डाला, मतलब एक बैच ऑर्डर डाला विच, तो देखिए दोनों रेडी है। 4088 2070, हाँ भाई कैमरा है। तो भाई दोनों ऑर्डर पिकअप मार लिए अपन और दोनों देना है मेहदीपट्टनम पे, देना है मुरादनगर। तो चलिए आइए चलेंगे, डिलीवर करेंगे, देखेंगे लास्ट तक कितनी अर्निंग होती, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल डलाते, MG होता नहीं होता, क्या होता, संडे का दिन है आज, पूरे चीज़ें बतलाते हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो भाई देखो ये इतना ऑर्डर है और ये ले लेके जाना है फलकनुमा के पास। देखो दिन का पहला लंबा ऑर्डर है ये, तो बैग में भी नहीं आता ये शायद। नहीं आएगा बैग में, चलिए आइए चल के डिलीवर करेंगे। क्या करेंगे भाई, लंबा ऑर्डर, मैं तो रिजेक्ट नहीं मारना चाह रहा हूँ, कर ले रहा हूँ भाई, बहुत से बच्चे हैं जो रिजेक्ट मार देते। देखो 7 किलोमीटर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस ये है कि भाई ट्रैफिक रहती उधर चार मीनार जोन जितना भी है ना भाई, उधर आखिरी ट्रैफिक रहती है। देखो 23 मिनट बता रहा 7 किलोमीटर को, जबकि 7 किलोमीटर अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो 15 मिनट का रास्ता है, फिर वहाँ से आने को भी अपने को एक 15-20 मिनट लगते, तो समझो कितना चल जाता है ये ऑर्डर में। गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने के आया, तो पहले तो अपन कहीं तो भी रास्ते में मिला पेट्रोल पम्प तो डला लेंगे। वो आइए भाई डला लेंगे पेट्रोल भाई, 390 का डालो, 390 109.65 पैसा है प्रति लीटर पेट्रोल आज। तो भाई 390 का पेट्रोल लगाए अपन, ऑलमोस्ट फुल ही हो गया था वो और 1 लीटर आता था मेरे ख्याल से, कभी कभी तो 490 का चलाते थे अपन तो फुल हो जाता था, मगर 390 का चलाए अपन तो ठीक है। संडे का दिन है वैसे गाड़ी ज़्यादा चलती है आज के दिन, पर क्या है बोले तो रास्ते ज़रा खाली रहते हैं ना, लेकिन देखो इन्हें संडे का दिन है तो भी मेरे को 4 मीनार गुजारा, देखो 4 मीनार तो भी कैसा भी रश रहता है, इस रहता कैसा भी। तो भाई फाइनली अपन आ गए ये ऑर्डर ले लेके कस्टमर की लोकेशन पे, और ये ऑर्डर ले लेके आना था अपने को जहानुमा फलकनुमा, तो अपन आ गए जहानुमे पे और देखेंगे कस्टमर को कॉल करेंगे। एक कंप्लीट एड्रेस नहीं है, कॉल कर लेना पड़ता। थैंक यू। तो भाई डिलीवर कर दिए अपन ये ऑर्डर यहाँ पे, अब देखो गुड जॉब बोल रहा है ने भाई, नहीं होना ऐसी गुड जॉब मेरे को। चलो यहाँ से जाएंगे घर को अब, और देखिए बतला दे रहा हूँ आप लोगों को कितने मिले मेरे को ये ऑर्डर के पैसे, 96 रुपीज़ ओनली, और अब तक दो चार छः ऑर्डर करे अपन 12 बजे से लेके अब तक, टाइम हो गया देखिए 3 बज रहे हैं पूरे, 3:04, यहाँ से जाते जाते भी अपने को आधा घंटा तो लगेगा ना भाई। चलो हल्लू हल्लू जाएंगे। थैंक यू। तो भाई दोपहर के बज के गए और शाम हो गई, ये ऑर्डर डिलीवर करे बाद जो है कि अपन खाना खा लेंगे। देखिए 4:30 बज गया और देखिए अब तक जो कि अपन कितने ऑर्डर करे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 पूरे इंस्टामार्ट के ज़्यादा है इसमें, और वो भी सिंगल सिंगल है, बैच नहीं है, बैच बहुत कम है, एक होगा बैच शायद वही जो बतलाया मैं आप लोगों को, बाकी के जो है कि पूरे सिंगल सिंगल ही छे। चलिए अब अपन खाना खा लेंगे भाई, गाड़ी भी देखिए चल चुकी अपनी एक भाई, ज़्यादा चल चुकी गाड़ी है तो आज कम ऑर्डरों में, 9 ऑर्डरों में ही जो है कि अपनी गाड़ी भाई 50 किलोमीटर चल चुकी। देखो
अच्छा अपन जाके आए ना भाई, वहाँ पे फलक नुमा देखो जाके आए खाली उसके रास्ते। तो चलिए आइए यहीं पर कहीं जो है गाड़ी उड़ी लगा लेके और खाना खा लेंगे अपन। तो आज खाने में है, देखेंगे क्या है। ये देखो भाई, इसमें है हलवा, ज़बरदस्त खुशबू ढक्कन खोलते के साथ ही सारी की राख। और ये क्या है, कोफ्ता, वाह क्या बात है भाई। चलो और ये होगा मेरे ख्याल से चावल। तो आइए खाना खा लेंगे अपन। मज़ा आया। तो भाई खाना पीना तो खा के हो गया और शाम के बज गए 5। ऑर्डर पिकअप करा मैं, और जो है कि फेक कस्टमर का इशू लगाना पड़ा। कभी बोले तो कस्टमर बोल रहा कि ऑर्डर नहीं चाहिए मेरे को। अब क्या प्रॉब्लम है कि नहीं चाहिए, बस एक चीज। तो फ़ोन आ गया फेक कस्टमर का इशू डाले। तो भाई 2 मिनट जो है कि लाइन पे ठहरो बोले, और बात करते गए थे कस्टमर से। उसके बाद जो है कि देखेंगे क्या होता है, ऑर्डर कैंसिल होता है क्या होता। One eternity later. तो भाई कैंसिल हो गया अब ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर भी डाल रहा है मैकडोनल्ड से, रोड नंबर 1 बंजारा हिल जाना है पिकअप करने। देखो इतना लंबा पिकअप करने का जो है कि बता रहा। ट्रैफिक देख रहे हैं भाई, संडे के दिन भी जो है कि ट्रैफिक है। क्यों बोले तो आज क्या है, बोनाल है ना, त्यौहार है, तो इस वजह से जो है कि ट्रैफिक ज़्यादा है। तो बहरहाल कन्फर्म कर दे रहा हूँ मैं ऑर्डर। और देखिए ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, कैफे 555 एक रेस्टोरेंट, 25 रुपीज़ अपने को मिले। जो कि ये ऑर्डर कैंसिल हुआ ना, तो एमजी में कैंसिल ऑर्डर काउंट नहीं करता, लेकिन इंसेंटिव क्या होते हैं, जो ये अमाउंट है 25 रुपीज़ वो काउंट होएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऑर्डर हुए टोटल, उसमें से एक कैंसिल है, तो 9 ऑर्डर होंगे। अब एमजी के वास्ते भाई क्या है संडे का आज, तो संडे के एमजी में है देखो 33 ऑर्डर्स को 24 25 और 25 ऑर्डर्स को 1625। तो कहाँ होते भाई अब जो है कि ऐसा लंबे लंबे ऑर्डर दिया और कैंसिलेशन रहा और ये ट्रैफिक में भाई नहीं होते। इसके वास्ते जो कि खामोश अर्निंग ही मार लेना अपन 800 रुपये, वो भी 800 रुपये होते होते 10 11 बज जाते हैं। अब आप लोग देखो पूरा लास्ट तक वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आएगा भाई कब तक होते होते नहीं होते क्या होता, पूरी चीज़ बतलाता हूँ आप लोगों को। और ये ऑर्डर कैंसिल हुआ ना भाई, अब देखो क्या है, 50-50 मेरे को डर रहा था कि भाई कहीं पेनाल्टी ना डाल दे भाई, इन्हें क्या है अननेसेसरी पेनाल्टी डाल देता ना भाई, बिना पूछे बिना कुछ भी जांच पड़ताल किए ऐसे ही डाल देता। A few minutes later. तो भाई ले लेके आ गए अपन ये ऑर्डर भी यहाँ पे। और देखो इसमें भी क्या हुआ, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा या फ़ोन नहीं लग रहा, क्या तो भी हो रहा कि समझ में नहीं आ रहा। अब अपने को तो भाई मालूम होगा नहीं कि उन्हें फ़ोन उठा रहा या जो है कि रीचेबल नहीं है या स्विच ऑफ है या नहीं लग रहा, भाई अपने को मालूम नहीं होता। भाई को बोले तो अपन जब कॉल करें तो उन्हें बोलती वेट करो, मैं वी आर कनेक्टिंग टू दी कस्टमर, वही वेट कर रहा हूँ। देखो 2 वक्त हो गया ये, और देखो जो एक इशू रेस करा मैं कस्टमर इज़ नॉट रीचेबल बोल के, तो जो है कि एक होगा तो अपन पूरा कॉल जो है कि पिकअप करे और सुने, लेकिन नो रिस्पॉन्स आ रहा। फिर जो है कि सेकेंड अभी कॉल चल रहा देखिए, और भाई फ़ोन नहीं लग रहा, क्या हो रहा क्या है कि नहीं मालूम। बहुत गुस्सा आ रहा भाई, आखिरी चिढ़ हो रही मेरे को। एक तो सुबह से जो है कि इन्हें उधर फिरा रहा था, अब इधर बंजारा हिल्स में आए तो अपन ये हो रहा। देखो एक ऑर्डर पे जो है कि कैंसिल कराना पड़ा, कस्टमर बोल रहा है नहीं होना बोल के ऑर्डर, और ये जो है कि रीचेबल नहीं है। देखेंगे जो है कि क्या होता। दिल तो बोल रहा है, देखो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, दिल तो बोल रहा है कि भाई अब चलो बंद करके चल जाता हूँ मैं ड्यूटी घर को। अब पूरा टाइम ख़राब हो जा रहा ना भाई, ये भाई बेकार बेकार है ये स्विगी, ऐसे ये सब सिस्टम जो लगा कर रखा ना भाई, आखिरी बेकार है। अब नहीं दिल बोल रहा भाई करने का, बेकार हो गया अब ये स्विगी विकी। A few minutes later. तो भाई बैठे बैठे बेजार हो गया मैं। देखो से 5:53 हो गए और अपन इशू रेस करे 5:34 को। उसके बाद जो है कि पुनीत बोल के आए, इन्होंने जो है कि मेरे को फ़ोन करे, बोले 15 मिनट वेट करो, तो जो है कि ऑर्डर अपन कस्टमर को कॉल कर रहे बार बार, नहीं उठाए तो कैंसिल करते। फिर उसके बाद जो है कि श्रीशला आए, इन्होंने भी जो है कि ट्राई कर रहे हैं कस्टमर को कॉल करने को, फिर उन्होंने भी चले गए ट्राई करते करते। फिर जो है कि दूसरे आए मेघा आए, अब इनो आए, इनो भी क्या बोल रहे हैं, डियर डिलीवरी पार्टनर इट सीम्स लाइक द कस्टमर इज़ नॉट रीचेबल, वी विल ट्राई कॉलिंग अगेन, मीन वाइल रिक्वेस्ट टू काइंडली वेट देयर फॉर 5 मिनट्स, वी विल ट्राई टू कॉल द कस्टमर अगेन आफ्टर 5 मिनट द एंड इफ द कस्टमर इज़ नॉट रीचेबल वी विल कैंसिल द ऑर्डर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस
एन अंडरस्टैंडिंग। भाई देखो, तीन जने आके चले गए, उनला भी वही चीज़ बोल रहे हैं, ठहरो ठहरो बोल के। तीन जने जो कि ट्राई करते जा रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर फोन नहीं उठा रहे, तो भाई कैंसिल करो ना भाई जल्दी, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो जरा, आधा घंटा हो गया भाई मेरे को ठहर के, इससे पहले जो एक ये एक ऑर्डर कैंसिल कराने में चले गया टाइम। ये ऑर्डर देखो 555 का, एक तो ये कैश ऑन डिलीवरी, अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहता था ना, मैं डिलीवर मार देता था, तो कस्टमर खुद ही जो है कि रिटर्न वहाँ से कॉल करते थे। मगर देखो ये कैश ऑन डिलीवरी है ऑर्डर। 75 years later, तो भाई फाइनली अब जाके जो है कि ऑर्डर कैंसिल हुआ। और देखिए 6:01 हो गए, और देख चेक कर लेंगे भाई। पहले तो अपन फ्लोटिंग कैश बराबर है, रॉन्ग एक्शन वार्निंग अपनी एक ही छः, वो लास्ट की अर्निंग में अपन जो है कि हाँ 60 रुपीज़ मिले मेरे को। 60 रुपीज़ कहीं को मिले बोले तो, ये कस्टमर वेट टाइम अपडेट हुआ और अर्निंग हो गई 432। तो भाई अब जो है कि दिल बोल रहा मैं बंद कर दूँ ड्यूटी, घर को चले जाऊँ, मगर भाई क्या करूँ, मैं मजबूरी है, लॉगिन में ही हूँ अभी। सोच रहा हूँ कि भाई थोड़े ऑर्डर करेंगे, एक 400 रुपये का अपना टारगेट हो गया, और 400 करे तो जो है कि 800 रुपये हो जाते, 800 का टारगेट करके खामोश जो है घर को चले जाता हूँ। मगर ये देखो भाई, डाल दिया ना, औकात दिखा दिया आपने, चार मीनार। चलिए कंफर्म कर रहा हूँ मैं ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो कि डिलीवर करे बाद अब बंद कर देता हूँ मैं ड्यूटी, बस बेजार हो गया। उससे पहले जो है कि अपन एक बर्गर खा लेंगे, ऐसा खा लेंगे, और एक कवर निकला दो, एक ही बर्गर है, वो भी वेज बर्गर है। मार साले का, खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाई फाइनली आ गया मैं जो कि ऑर्डर ले लेके, देखो चार मीनार, और यहाँ पे भाई क्या आखिरी ट्रैफिक है मालूम। कस्टमर को कॉल कर ले रहा हूँ मैं, जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करके ना आप सीधा घर को चले जाएंगे। तो भाई बंद कर दिया मैं ड्यूटी और घर पे आ गया, और देखे भाई अपना जो है कि ऐसे ही छोटा है। देखो दो ऑर्डर कैंसिल कराने में मेरा टाइम चले गया 1 घंटा। पहला ऑर्डर को जो है कि एक 15-20 मिनट चले गया, फिर इसके बाद जो कि सेकेंड ऑर्डर को भाई 40 से 50 मिनट मेरा उसमें चले गया कैंसिल कराने में। भाई आखिरी दिमाग ख़राब हो गया मेरा, इसके वास्ते जो है कि वो ऑर्डर जो है कि अपन गए चार मीनार डिलीवर करे, और सीधा जो है कि घर को आ गया मैं, बंद कर दिया ड्यूटी। इंसेंटिव इंसेंटिव कुछ भी नहीं आता, 500 रुपये की अर्निंग हुई खाली समझो बस। आओ और देखिए अपना 390 रुपीज़ का जो है कि पेट्रोल डला लिया था मैं गाड़ी में, तो क्या बोलूँ मैं भाई, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा दिखा तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पुराने भी है नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा, सपोर्ट करो यार अपने भाई को। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज, मा सलाम।